नहीं, सीधा कर, लेफ्ट अच्छा कर, नीचे कर, ठीक ऊपर है कर, राइट कर, ठीक है लेफ्ट, कोने ठीक है, में, समझ गया तिकोना, समझ गया। नीचे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते वेलकम नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फ्री फायर के अंदर आने वाला न्यू विश इवेंट के बारे में, जो कि यहाँ पे ईद स्पेशल होने वाला है। तो ईद स्पेशल विश इवेंट के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला विश हूँ। इवेंट कब तक आप लोगों को फ्री फायर में देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर कौन कौन सी रिवार्ड्स रहेंगे, सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके समझा दूंगा। इसी के साथ साथ फ्री फायर के अंदर आने वाले काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट्स के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाले काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, इसे कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले सीधा आगे ही बढ़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ बात करेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। तो दोस्तों फ्री फायर के अंदर टाइम टू टाइम हर एक ओवी अपडेट में हम लोगों को कोई ना कोई न्यू इवोगन जरूर देखने के लिए मिलता है। बट क्या आप लोगों को यह पता है कि जो नेक्स्ट ओवी 35 अपडेट आने वाला है फ्री फायर में, उसमें आप लोगों को कौन सा न्यू इवोगन देखने के लिए मिलेगा? हाँ, बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग ये देख लीजिए। आप सभी लोगों के सामने मैं इवो थॉम्सन का फर्स्ट लुक दिखा रहा हूं। पहले भी फ्री फायर के अंदर कोबरा थीम के ऊपर आप सभी लोगों को एक इवोगन देखने के लिए मिल चुका है, क्या आप लोग गेस कर सकते हो उसका नाम? लोग कोबरा एम्फिबी गेस कर रहे थे, आप लोग बिल्कुल सही हो। बट अगर आप जाकर के इस बार इवो थॉम्सन को देखेगा तो आप सभी लोगों को ये पता लगेगा कि ये कोई स्नेक नहीं है, सांप नहीं है, ये एक अलग ही टाइप का ड्रैगन होने वाला है, जो कि आप सभी लोगों को इस इवो थॉम्सन के ऊपर ही देखने के लिए मिलने वाला है। पहले भी फ्री फायर के अंदर आप सभी लोगों को ड्रेको एक देखने के लिए मिल चुका है, इंपोर्टेंट ड्रेको देखने के लिए मिल चुका है। बट अब आप लोगों को फ्री फायर के अंदर फाइनली ड्रेको थॉम्सन का स्किन भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो कितने सारे लोग इस वाले स्किन को लेने के लिए एक्साइटेड हो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चले दोस्तों इसी के साथ साथ वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि नेक्स्ट ओबी अपडेट में जो रैंक सीजन आएगा उसके आप अंदर सभी को मिलने वाले कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों जब भी आप लोग गोल्ड 2 के ऊपर रीच कर जाओगे या फिर गोल्ड 1 के ऊपर रीच कर जाओगे, तभी आप लोगों को ये गोल्डन AWM का स्किन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा नेक्स्ट रैंक सीजन में। एक सेकेंड, अगर AWM गोल्डन होने वाला है जो स्नाइपर एमओ जाएगा वो कैसा दिखेगा, गोल्डन ही होगा या फिर लोहे का होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हाँ सर, मैं अक्सर अपने क्लासेस में भी ऐसे गुड क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्लास की मैम बाहर भेज देते हैं। रो कौन रहा है यार, मैं तो खुश हो जाता हूँ क्लास के बाहर आने के बाद, मैं अपनी सारे के सारे अदर करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे पाता हूँ। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। खैर, मीम्स की इस चमचमाती हुई सुनहरी सी दुनिया से हम लोग बाहर निकलते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं अभी हम लोग इवेंट के बारे में जो कि इंडियन सर्वर के लिए एकदम कंफर्म होके आ चुका है। इस वाले इवेंट का नाम रखा गया है फ्री फायर की तरफ से रिलोड टारगेट डाउन इवेंट। इस इवेंट के अंदर आप सभी लोग को खाने खाने का मौका मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सभी लोग पहले इवेंट को देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग समझ पाओगे। गाइस, इवेंट आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलने वाले। ऊपर आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रिलोड टारगेट। यहाँ पे आप लोगों को डायमंड्स देके चक्री घुमाना पड़ेगा इस पिज्जे वाले, बोलते हैं उसको मुझे भी नहीं पता। खैर, आप लोगों को चक्री तो घुमाना ही पड़ेगा। घुमाते पर, घुमाते जब आपका चक्री रुक जाता है बर्गर के ऊपर, तो गलती से भी उसको खाना मत, क्योंकि आप बर्गर को नहीं खा रहे होंगे, आप अपनी फोन को ही खा रहे होंगे। असल में क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये एक्चुअल में बर्गर की शक्ल में ग्लूअल का स्किन है जो आप इसी वाले इलोट टारगेट डाउन इवेंट के माध्यम से ले सकते हो। साथ साथ राइट में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है टोकन्स के एक्सचेंज करने पर एक बंडल, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा तो नहीं। इस वाले इवेंट के अंदर आप लोगों को जितने भी सारे रिवॉर्ड्स दिखाए गए हैं ना, उन सारे रिवॉर्ड्स का मैं एक एक करके आप सभी लोगों के सामने रिव्यू करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने आप लोगों को गैनेट का स्किन दिखाया, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक बैकपैक का स्किन। आप लोगों के सामने अवेलेबल है ये ग्लूअल का स्किन जिसके ऊपर बर्गर बना हुआ है, एंड देन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है फीमेल बंडल एंड मेल बंडल, जो कि अगेन बर्गर के जैसे दिखते हैं, और इनकी पूरी बॉडी में आप लोगों को केचप वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। क्या ही बात है, बहुत ही तगड़े दिख रहे हैं ये दोनों ही बंडल। वो वाले तगड़े की बात नहीं करें, वो वाला तगड़ा तो एकदम ही रापचिक होता है, खूमखा
बुखार दिखता है गेम के अंदर। ये वाला बंडल ना काफी ज्यादा मजेदार सा दिखता है। आप लोगों को लगेगा नहीं कि आप लोग गेम खेल रहे हो, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग एक खाने की पे आ चुके हो, जहाँ पे आप लोगों को बैकपैक भी खाना वाला देखने के लिए मिलता है, ग्रेनेड भी खाने वाले देखने के लिए मिलते हैं एंड जितने भी सारे चीजें ग्लोबल स्किन तक यहाँ पे आप लोगों को खाने वाले देखने के लिए मिल जाते हैं यार। सही बात है। अभी के लिए हम लोग वीडियो के अंदर खाना खजाने को यहीं पे रख देते हैं और वीडियो के अंदर आगे बढ़ते बात करने वाले अभी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान सर्वर के अंदर चल रहा ईद इवेंट के बारे में। चलो भाई, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा ये वाला बैनर, जहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो एक ही चीज नोटिस कर रहे होंगे कि आप लोगों के यहाँ पे एक फ्री का बंडल दिया जाएगा। यहाँ पे जो माइलस्टोन रिवार्ड दिया गया है उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं अच्छा रिवार्ड यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। बट एक चीज को लेकर के मैं सबसे ज्यादा हैरान रह गया, वो है ये वाला मिनी ट्रक का स्किन। भाई अपने सर्वर में तो ये वाला मिनी ट्रक का स्किन आया है फेयर व्यू के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कोई और फेयर व्यू की नहीं बल्कि इसी फेयर व्यू की बात करें, जहाँ पे आप लोगों को म्यार साइंटिस्ट बंडल के साथ साथ देखने के मिलता है पिकअप ट्रक, यानी कि स्किन जिसको हम लोग डायमंड देकर के खरीद रहे हैं और बाकी सर्वर्स के लोग फ्री में ले रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों के सामने है, इवेंट भी मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से रिव्यू करके दिखा दिया। बाकी अभी आप लोगों को इसके ऊपर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वाले इवेंट के अंदर आप सभी लोगों को मैजिक क्यूब तो सीधा सीधा देखने के लिए नहीं मिलता है, पर ढेर सारे यहाँ पे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं मैच ड्रॉप के रूप में या फिर किसी अदर फॉर्म ऑफ मिशन के रूप में। यहाँ से आप लोग मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करके एक या फिर दो मैजिक तो ऐसे ही ले सकते हो भी बड़े आराम से। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंदर हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे ईद इवेंट के बारे में, तो ईद के थीम पे ही आप लोगों को और एक इवेंट फ्री फायर में बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि होने वाला है ईद स्पेशल विश इवेंट। बट वो दिखाने से पहले मैं आप सभी से यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यहाँ तक आप लोग वीडियो के अंदर आ गए हो, जाहिर सी बात है आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर ऐसी बात है तो जल्दी से जल्दी इस वाले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल के अंदर से रोज देखते रहने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ साथ साइड वाला बेल आइकन को भी ऑल पे डाल देना। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ा टाइम के पहले कहा था, अभी हम लोग वीडियो के अंदर बात कर ही लेते हैं फ्री फायर के अंदर आने वाला इस स्पेशल विश इवेंट के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, फ्री फायर में जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, दिवाली की आप लोग बात कर लीजिए, आप लोग बात कर लीजिए रमजान के बारे में, तो दिवाली के टाइम पे हम लोग को दिवाली विश इवेंट देखने के लिए मिला था, रमजान के टाइम में हम लोग को रमजान विश इवेंट भी देखने के लिए मिल चुका है। चल रहे तो ईद के टाइम पे भी आप लोगों को ईद विश इवेंट गेम के अंदर जरूर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे रिवर्स आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा ओपी ओपी से रिवर्स यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। पर्पल शर्ट बंडल भी यहाँ पे आप लोग को दिया जाता है, डिमांडिंग ट्रॉपिकल पैरट M1887 का स्किन भी यहाँ पे आप लोग को दिया जा रहा है, इसके साथ साथ और भी काफी सारे रेयर बंडल्स एंड रेयर चीजें आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें इसके डेट के बारे में, तो लगभग जुलाई के एंड होते तक ये इस इवेंट फ्री फायर के अंदर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, तो जुलाई के एंड होते तक आप लोग इंतजार थोड़ा सा कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को जो विश इवेंट दिखाया, ईद विश इवेंट था, वो आप लोगों को गेम के अंदर जरूर से जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरीके से खत्म होने से पहले, अगर आप सभी को यह जानना है कि फ्री फायर के अंदर जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आने वाला है उसके अंदर आप लोगों को कौन सा बंडल देखने के लिए मिलने वाला है, तो उसका वीडियो कल अपने चैनल के ऊपर मैंने डाल दिया था। राइट साइड में आप लोगों को एक फोटो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि फ्री फायर के अंदर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कब आ रहा है और कौन सा बंडल अपने नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते रहो, अपने मिस को मारते रहो, बाय।